प्रदेश के महामंत्री नसीम अंसारी साहब, हमारे प्रदेश के संयुक्त महामंत्री रईस अहमद साहब, रामपुर के जिला अध्यक्ष अली अंसारी साहब और तमाम मंत्र बैठे हुए हमारे मौजूद हजरात, आज हम लोग इसलिए हाजिर हुए हैं, आने वाले 5 साल जो कि हम अपना कार्यकाल करेंगे उसके बाद 5 साल हम लोग इंतजार करेंगे। इसके लिए मैं एक बात कहने आया हूँ आपसे कि हिंदुस्तान में दो तरह की आबादी है, एक किसान और दूसरे दस्तकार, और हिंदुस्तान में खासकर उत्तर प्रदेश में ये उसी तरीके से है जिस तरीके से बैलगाड़ी के दो पहिए होते हैं। उन दो पहियों में एक पहिया किसानों का और दूसरा पहिया बुनकरों और दस्तकारों का पहिया होता है। जब तक के ये साथ नहीं चलता है, जब तक के बैलगाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरीके से हिंदुस्तान की व्यवस्था भी इन दोनों लोगों को लिए बगैर नहीं चल सकती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की बात की जाती है, तरक्की की बात की जाती है, तो मेरे भाइयों, बिना बुनकरों और दस्तकारों के कोई तरक्की नहीं सकती। मेट्रो लखनऊ में तो चलती है, लोग अलग अलग मॉल तो बनवाते हैं, लेकिन उन मॉल में बनाने वाले उनमें दस्तकार, उसमें वो गरीब पक्का, जब तक कि उसको रोजगार नहीं होगा, जब तक उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, जब तक के रोजगार से गरीब जनता नहीं जुड़ेगी, तब तक उसकी तरक्की होने वाली नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हिंदुस्तान के अंदर जब आजादी हुई, आजादी के बाद कांग्रेस ने पूरे तरीके से यहाँ इकतदार में रही और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उन्हीं ने बहुत साल तक के अपना उन्हें राज किया, लेकिन उसके बाद उन्हीं ने दस्तारों से, गरीब मुसलमानों से, गरीब आवाम से, अल्पसंख्यकों के अलावा हमारे बहुत सारे सभी वर्गों के गरीब तबकों से अपना उन्होंने मुंह मोड़ लिया, तो वो पंजाब, उसके बाद मलियाना जैसे हाशिमपुर जैसे कांड दिए, तो ये पंजाब पूरी हो गया। उसी तरीके से उसके बाद मुसलमानों ने और बच्चों ने बहुत सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी का रुख कर लिया, उन्हें सोचा ये पार्टी मेरी होगी, मेरे लिए काम करेगी। लेकिन मेरे भाई और इन्हीं ने भी मोदी से सीखा और मोदी की तरफ से विकास की बात ले आए, और उन्हीं ने उसके बाद मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर के बाद प्रतापगढ़ स्थान लाहौर जैसे कांड करा के साइकिल से हमको लौटने की कोशिश भी की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ का जो दबा पिछड़ा जो बिल्कुल तबका है वो जाग चुका है, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की बहन माया कुमारी, बहन मायावती जी जो दबे पिछड़ों के साथ लेके आगे चली, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हम लोगों ने भी ये देखा, हम लोगों ने भी गाजियाबाद से लेकर और हम लोगों ने भी कुशीनगर तक के ये देखा कि हमारे लोग हम लोगों को भी बहन कुमारी मायावती जी के साथ जाना चाहिए, इनके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर को समर्थन दे के इनको जिताने का काम करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सब लोगों ने यह तय कर लिया है कि अब इस चुनाव के अंदर बहन कुमारी मायावती जी को चुनाव जिता के भेजना है और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। और ये रास्ता एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है और ये जाके सीधे प्रधानमंत्री तक के जाता है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि डॉक्टर तनवीर जैसे इस तरीके से जानदार ईमानदार लोगों को जिताने का काम करिए, और सारे लोग मिलजुल कर एक साथ डॉक्टर तनवीर साहब को अपनी वोट कर दे, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो भी देख ले तरीके से जीते हैं ये। और इसी के साथ चल एक मिनट एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे चेयरमैन साहब ने भी ये बात कही थी आजम खान साहब के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में, तो इसमें एक बात और जोड़ दीजिए, जिसके नाम भी जाने जाते थे हाशिम अंसारी के नाम से, तो वही हाशिम अंसारी इसी पैसी सरकार के बीच में मेडिकल कॉलेज बल्लारी के अंदर पड़े रहे, ये शख्स देखने तक के नहीं गया और उनके इलाज का कोई इंतजाम नहीं किया, तो ऐसे लोगों से क्या बदला करेंगे। इस नियत को निकाल के बाहर करिए और डॉक्टर तनवीर साहब को भी जिताने का काम करिए। और मैं पूरी प्रांति से उत्तर प्रदेश से अपील इस बात की है, सारा अंसारी समाज, सारा भूकर दस्कार समाज, सारा राइन समाज, हलवाई समाज, हमारे जितने पसमानदा बिरादरियाँ हैं, सारी बिरादरियाँ मिलजुल कर आपकी डॉक्टर तनवीर साहब को जिताने का काम करिए। और इसी के साथ जितनी
मिली भी कॉन्स्टिट्यूंसी है तब भी बहुत समाज पार्टी को जिताने का काम करिए ताकि हमको रोजगार शिक्षा सुरक्षा और न्याय मिल सके। ये अपनी जिम्मेदारी आपके पास है। अल्लाह हाफिज। आइए आइए हजरात अब चलते हैं उस शख्सियत के हुजूर जो हमें दुआएं देने के लिए।